चले जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। इतनी नाराजगी, और वो भी अपने इकलौते बेटे से। इतना बड़ा धोखा दिया तुमने। अरे बेवकूफ बनाते रहे हमें, उस अनजान लड़की को यहां उठा लाए और खुद अनजान बने रहे। अम्मी, उसको मैं यहां लेकर नहीं आया, उसको कुदरत यहां लेकर आई थी। अगर अल्लाह ने हमारा साथ लिख दिया तो उसको कोई बदल नहीं सकता। हम दोनों एक दूसरे से दूर रहकर भी पास थे। मुझे बेकार की बातें नहीं सुननी जुनी। उस लड़की को फौरन यहां से चलता करो, तुम्हारी शादी हो चुकी है। अम्मी, मैं ताबा को तो किसी सूरत नहीं छोड़ सकता। देखिए, मैंने सोच लिया कि मैं नताशा को तलाक दे दूं। बकवास बंद करो, तुम मेरी नाफरमानी कर रहे हो, अपनी माँ की। उसके लिए मैं दिल से शर्मिंदा हूं अम्मी। आपके बगैर मेरी हर खुशी नामुकम्मल है। अम्मी प्लीज मान जाए, आपने सारी जिंदगी मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, एक आखिरी ख्वाहिश भी मान जाए। हरगिज नहीं, मेरी जिंदगी में तो ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, मेरे मरने के बाद जरूर कर लेना। अम्मी प्लीज, ऐसे तो मत कह। अरे क्यों ना कहूं, तुम्हें मेरी परवाह ही कब है, ना मेरी ख्वाहिश की परवाह तुम्हें। उस मामूली लड़की को मुझ पर फौकियत दे रहे हो तुम। अम्मी, आप पे तो मैं किसी को फौकियत दे ही नहीं सकता। जो मुझे आपसे मोहब्बत है वो तो किसी से हो ही नहीं सकती, लेकिन ताबा मेरे दिल की अवलीन ख्वाहिश है, मैं उसे मुंह नहीं मोड़ सकता। ठीक है ठीक है, तो फिर क्यों बैठे हो यहां पर, जाओ उसके पास जाओ। और हाँ, उसके साथ साथ ना खुद भी यह घर छोड़कर चले जाना।